अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पवार। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं वेलकम करता हूं आपके अपने लवली यूट्यूब चैनल में, लवली ट्रैवलिंग यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले जी सॉरी, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, टाइम का इशू है। टाइम के इशू की वजह से जो है मैं आप लोगों के पास अब डेली आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पाता या आप लोगों से मिल नहीं पाता या आप लोगों के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो बिकॉज ऑफ दी माई स्केड्यूल मैं हर वीडियो में अच्छा सबसे पहले तो सॉरी, मैं इस वक्त हमेशा की तरह एक पार्क पे मौजूद हूँ और वहाँ पे बैठ के आपके लिए जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर बैकग्राउंड में हमेशा की तरह जो है ना वो कुछ डिस्टर्बेंस हो रही हो या कुछ शॉटिंग हो रही हो तो उसके लिए मुझे आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो जी मैं बता रहा था कि आजकल थोड़ा सा काम का सेटअप ऐसा है ना कि रूटीन नहीं बन पाती, क्या करे बंदा, सही है ना। जाहिर है काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है और काम ही ज़िंदगी है। तो आज की बात करते हैं, जैसे मेरी वीडियोस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा कि भाई आप बताइए कि अब करंट सिचुएशंस क्या है। करंट सिचुएशन आप ये कह सकते हैं कि आप करंट सिचुएशन के अंदर जो है ना, आप अगर टर्की आना चाहते हैं तो आप टर्की आ सकते हैं, ऐसा नहीं है टर्की नहीं आ सकते, ज़रूर आ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। मैं थोड़ा सा उसका रिविजन कर लेता हूँ क्योंकि बार बार मुझसे यही पूछा जा रहा है अब करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन हालात क्या हैं, अब क्या हो रहा है आजकल तुर्की में, क्या हो रहा है। तो टर्की के अंदर जी आप आ जाएं, आप रह सकते हैं, अपना घर ले लें, आप अपना घर ले लें, 75,000 का है इस्तांबुल के अंदर, आप वो घर ले लें। और अगर इस्तांबुल से हट के कहीं लेना चाहते हैं तो आप $50,000 का घर ले लें, ठीक है। तो आप अपना घर ले कर आराम से यहाँ रह सकते हैं, आपके नाम पर सारी चीज़ें होंगी, बस बिस्मिल्लाह करें उसमें। अब अगर उस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं कि जिस कैटेगरी में आप कहें कि भाई मे बी सो मेनी पीपल दे आर नॉट एक्चुअली दैट मच, ये कहना चाहिए कि फ्रॉम द दोज पीपल, द कैटेगरी ऑफ दोज पीपल दे आर नॉट विलिंग टू बाय प्रॉपर्टी ऑफ सच अमाउंट, द अमाउंट आई जस्ट टॉक अबाउट लाइक 75,000 USD। सो हम क्या करें, जाहिर है जी। तो आप कोई और ऑप्शन देखें, दुनिया खुली हुई है, पूरी दुनिया में। और वैसे भी ये बात कर रहा हूँ मैं कि आप इसका मतलब कोई नेगेटिव मत लीजिए कि भाई क्या कह रहे हैं कि हमारा जो है ना, हमें भाई कह रहे हैं कि ऐसा ना करें वैसा ना करें। अच्छा जी, तो आप उस कैटेगरी में फॉल करें कि जैसे आपने कहा कि भाई हम अगर इस तरह परचेजिंग नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें, हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। देखिए आपके लिए कि आप स्टडी वीज़ा ले सकते हैं, आप स्टडी वीज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टडी वीज़ा, अगर बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप उनके उसमें आ सकते हैं। अगर फैमिली की बात करें तो आप फैमिली के लिए, आप ट्रैवल के लिए आ सकते हैं, आप घूमने फिरने आ सकते हैं। सेटलमेंट का भी सीन चेंज हो चुका है तो सेटलमेंट के लिए आप नहीं आ सकते, मैं तो यही समझता हूँ कि आप नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप आएंगे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या करेंगे। लिखे मेरी बात सुने, अगर आप आते हैं, आप अपना TRC अप्लाई करते हैं, उन्होंने आपसे ये कहना है कि भाई आप TRC किस बेसिस पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्या आपने प्रॉपर्टी ली, आप बोलेंगे नहीं। फिर आप कहेंगे आप बिजनेस कर रहे हो, आप कहेंगे नहीं। फिर आपसे कहेंगे कि आपका क्या रीज़न क्या है, मतलब आपका ना TRC लेने का, क्योंकि अब वो टूरिस्ट को तो दे नहीं रहे ना, टूरिस्ट तो दे ही नहीं रहे, अब ये रेजिडेंट परमिट दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना पैसा और टाइम बचाएं। अब तुर्की उस लिस्ट में आ चुका है जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सही है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह से जो है ना मामला तय पाते थे, हम डॉक्यूमेंटेशन को और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाता था, तो उसी तरीके से है जी, सेम टू सेम। अब ये कह सकते हैं कि हम लेट हैं या वो लोग लेट हैं जो इसको लाइट ले रहे थे, बहुत इसको समझ रहे थे कि यार टर्की की बात आती थी तो वो कहते थे टर्की इट्स अ पीस ऑफ केक, यार टर्की इज़ अ पीस ऑफ केक,
तो अब पीस ऑफ केक, तो अब पीस ऑफ केक आप खा लें अगर खा सकते हैं आप। जो लोग कहते हैं ये पीस ऑफ केक है तो आप वो पीस ऑफ केक खा लें, उसमें क्या है, किसने रोका है आपको? आप यू कैन बी द वन ऑफ दोज पीपल हु जस्ट ईजीली टेक अ बाइट ऑफ दिस सेम पीस ऑफ केक। अब इसको कोई मेरा ये ना समझे कि मैं टोक रहा हूँ या मैं कोई तंज कर रहा हूँ या मैं कोई इस तरह की वो बात तंज ताला कर रहा हूँ या मैं कोई इसका मजाक उड़ा रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे मुझे, गलत ना कभी आप समझिएगा, ना मेरा कोई इसमें कोई इस तरह की बात करने का या कोई इस तरह का मेरा नेगेटिविटी का कोई मकसद है। यू नो व्हाट, कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको हमेशा हर डिसीजन, हर काम, हर बात राइट टाइम पे करनी है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, ज़िंदगी के कुछ मामलात को राइट डायरेक्शन पे ले जाना है, तो आपने सही टाइम पर, सही वक्त पर फ़ैसला लेना है। तो बस ये वीडियो इसी तरह से मैं बना रहा हूँ करंट सिचुएशन के ऊपर कि देर इज़ नो सच ऑप्शन फॉर द सेटलमेंट। फिर भी मैं ये कहूँगा अगर आप अपना रिस्क लेना चाहते हैं तो मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं आपको स्ट्रिक अवे मना कर दूँ कि नहीं आप नहीं आए जी, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। आप आएँ और आप आके जो है ना अपनी ट्राई करें, आप वीज़ा लें, वीज़ा लेके आएँ, आप PRC अप्लाई करें, देखें शायद आपको मिल जाए, चाहे आपने प्रॉपर्टी ली हो या ना ली हो। लेकिन जो करंट सिनेरियो तो यही है, वो आजकल जो है ना बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं ना, बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। ठीक है जी, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि तनवीर भाई आप जो अब हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लेकिन क्या अगर आप हम आपके पास आते हैं या हम आपकी कुछ आपसे कुछ हेल्प लेते हैं तो क्या आप उसमें हमसे दूसरों की तरह पता नहीं $10,000 लेंगे या $15,000 लेंगे या $1,000 लेंगे, क्या लेंगे? तो बात ऐसी है, जब तालाब में जब एक मछली ख़राब आ जाए ना तो पूरा तालाब ही ख़राब हो जाता है। तो बात ऐसी है कि अब आप ज़ाहिर है जब लोगों के साथ इस तरह की बातें होती हैं या इस तरह के मामले होते हैं तो वो सबको इसी तरह समझते हैं। भाई मेरा तो सिंपल फार्मूला है, मैंने आपसे ना कोई डॉलर लेने, ना आपसे कोई जो है ना $10,000 लेने, ना आपसे कोई पैसा पाई। मैंने सिर्फ़ अपना टाइम आपको अगर देना है, आपको मैं एक जेन्युइन चीज़ लेके देता हूँ, आपके साथ खड़ा हुआ होता हूँ, आपको साथ लेके जाता हूँ, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ आपको पसंद आती है वो आपको दिखाता हूँ। आपके लिए जो भी मैं सर्विसेज देता हूँ उसकी कुछ जो है ना होते हैं टाइम, ठीक है ना। जब टाइम मैं अपना दूंगा, ज़ाहिर है मैं ड्यूटी करता हूँ, जॉब करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं जब सब चीज़ें छोड़ के जब आपकी तरफ आता हूँ ना या मैं आपके लिए निकलता हूँ तो मैं अपनी अपना टाइम देता हूँ। और आपको पता है टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ मनी। तो बट सिर्फ आपके लिए है, तो इसमें से पॉजिटिव चीज़ें ले लीजिएगा। जो इस वीडियो के साथ नेगेटिव चीज़ें आप देख रहे हो यानी शोर शराबा या इस तरह की कोई चीज़, तो प्लीज़ मेरे लिए इसको बेयर करिएगा। तो जी अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ आपको, आपके लिए मैं 2 दिन निकाल रहा हूँ, हफ्ता निकाल रहा हूँ, तो मैंने इसके लिए एक सिंपल फार्मूला रखा हुआ है जो मैं आज आपके साथ वो कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़े थे जिनके लिए मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, जिनके लिए मैंने मेहनत की। तो उनको मैं सिंपल, जब वो मुझसे आते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे टाइम के मुआवजे में आप मुझे थोड़ा सा जो है ना, जैसे एक मज़दूर होता है ना, एक मज़दूर, वो मज़दूर अपनी मजदूरी करता है तो उस मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे अपनी मजदूरी, देखें डाउन टू अर्थ बात करनी चाहिए, मैं हमेशा डाउन टू अर्थ बात करता हूँ। मैं सूटेड बूटेड हो के टाइयाँ शाइयाँ लगा के वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है और मैं आपको उस लुक में भी आके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं डाउन टू अर्थ बात करता हूँ, जो समझ में आए और दिल को लगे। मज़दूर को मजदूरी ख़त्म, उसकी मजदूरी फिनिश होके और पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी मिलनी चाहिए। तो मैं अगर आपके लिए अपना टाइम निकाल रहा हूँ, आपके लिए मैं कॉले कर रहा हूँ, मैं आपके लिए टैक्सी का किराया कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा 2 दिन लगा रहा हूँ आपके लिए, कोई चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, आपका मसला हल कर रहा हूँ, तो जो मज़दूर की मजदूरी होती है वो होती है उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस। तो मेरी थोड़ी सी कंसल्टेंसी फ़ीस है, जब आपको मेरी कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो
आप मुझसे पूछ सकते हैं, विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि मेरी क्या कंसल्टेंसी फीस है, क्योंकि मुझसे ये पूछा जा रहा था कि तनवीर भाई आप भी क्या दूसरों की तरह हमसे डॉलर मांगेंगे और पता नहीं क्या मांगेंगे। तो भाई मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी तक मैंने जिनकी भी हेल्प की है, तो आप जब आएंगे या आने वाले हैं मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैंने उनसे क्या लिया है या उनको क्या दिया है। मैं किसी से कुछ नहीं लेता, सिर्फ अपनी सर्विसेज के बदले में जो मेरा हक बनता है वो उनसे मैं खुद मांग लेता हूँ कि भाई ये मेरी मजदूरी है या मेरा जो है ना एक कंसल्टेंसी फ़ीस है। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अगर फर्दर इस बारे में अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो मैं हाज़िर हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। और आखिर में ये बैकग्राउंड में जो शोर होता है या नॉइज़ होती हैं उसके लिए मैं आपसे